नाजिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर आवाम पर महंगाई का एक बम गिरा दिया गया। इस पंप पर खान साहब मौजूद हैं, इमरान खान से बात करते हैं, लोगों के पास लेके चलते हैं। ओए पेट्रोल की कीमत वाली कीजिए, मुन्नी जवान हुई थी, ये काका भी जवान हो गया। ऐसे ला के आप दौड़ना शुरू कर दो, ना करिए कि बेचारा डंडाई ला ली है। कब्र में इंसान को सुकून पहुंचाएंगे। दिल्ली ला के चाह पीने वाले जिन इतने थले कप हसीना क्यों बन गई है। मैंने पेट्रोल का नाम लिया, आपने वेल कर लिया, मुंडे पसाना आए हुए थे। ओह नो, लीव कब देंगे? नहीं तू इंज कह रहा, मैं पंप पे लगा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर आवाम पर महंगाई का एक बम गिरा दिया गया। आवाम खोते घोड़े बेच के सो रहे थे, इतने में एक आवाज आई, ओए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दीजिए। लोगों को कुछ समझ ना आया, कोई बेड से गिर गया, कोई दीवार से जा लगा। लोग परेशान हैं पेट्रोल पंप पर और इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हमारे साथ इस पंप पर खान साहब मौजूद हैं, इमरान खान से बात करते हैं, लोगों के पास लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम अस्सलाम। ओ क्या हाल है काका, कैसे हो काका? बड़ा हो गया, मुन्नी जवान हुई थी, ये काका भी जवान हो गया। तुसी भी कोई काम बड़े बड़े कर लो, आवाम परेशान हुई है। ओए मेरे पास हो अभी, मुझे 5 साल और चाहिए। ओह नो, मैंने बड़ा काम नहीं किया, पेट्रोल आज तक इतना महंगा नहीं हुआ, 5 रुपए मैंने महंगा किया, इससे बड़ा काम क्या करूँ? दस का कर दूँ। चीखें निकली हुई हैं खान साहब को, ख्याल करें। मुझे तुमने चीखे सुनानी है, किधर है वो चीखे? मैं सुनना चाहता हूँ कि कौन चीख मार रहा है। छैया छैया वाला मोबाइल लेंगे ना, उसमें से निकले भी बात ना बदलो। आम की चीखे निकली हुई है खान साहब, आपको परवाह ही नहीं है। ये जरा क्या अपने कैमरामैन से को जरा दिखाए, अब वो पेट्रोल डलवा रही है, अब पीछे देखे कितनी दुनिया पेट्रोल डलवा रही है। अब तो अच्छी बात है, अभी तो 10 रुपए और महंगा होना। आपने भला कर दिया लोगों का, जो खुदकुशी करना चाह रहे थे ना, पेट्रोल छिड़क के आग लगाना चाह रहे थे, उनकी जिंदगी आपने बचा दी है। और देखो काके बात पता क्या है, असल में ये लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे, तो मैंने कहा कि अगर ये वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो मुल्क तब्दीली कैसे आएगी। तो देखो ना, पेट्रोल मिलेगा ही नहीं, जब महंगा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, कान में डलवाएंगे। तो इसलिए जो वैक्सीनेशन करवाएगा ठीक है, उसी को पेट्रोल मिलेगा। तो ये भी ऐसे ही मिलेगा, वैक्सीनेशन ही है, ये सिरिंज में मिलेगा, जितना महंगा कर दिया आपने। तो अच्छी बात है ना, पेट्रोल कितने का? 123 रुपए गड़वी, 123 रुपए गड़वी मिल रहा है पेट्रोल, आप भी आए और पहले पाए। ऑफर है, ऑफर आना गड़वी। छोटी कदर बड़ी गड़वी के साथ छोटी गड़वी बिल्कुल फ्री। लोगों ने पैदल जाना शुरू कर दिया है, लोगों का कुछ ख्याल करें खान साहब। अच्छी बात है, फिट होंगे मेरे नौजवान। ओ बाबे, जितने देखो हार्ट अटैक से लोग मर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ ये खोते रेडी पे जाएं, खोते को पीछे बिठाएं, खुद आगे भागे। वाह, ओ ये मुल्क तलबता भी तरक्की करेगा। आपकी बाइक कहाँ है? मैं खुद पैदल हूँ, पेट्रोल महंगा, खुद भाई नहीं सकता। लोगों का ख्याल करें ना, आप खुद डिलवा नहीं सकते, लोग कैसे डिलवाएंगे? देखो काके बात ये है, देखो नवाज शरीफ का आपने हाल देखा था, हाँ। कितना मोटा हो गया था, तो मैं नहीं चाहता पेट्रोल पींदा सी। सब नवाज शरीफ ना बन जाए, मैं चाहता हूँ कि सब फिट रहे, स्लिम रहे और सेहतमंद रहे। थैंक यू। नहीं आप ये भी नसीहत कर दें कि पेट्रोल से अगर पिनियों की मालिश की जाए तो अच्छी होती है। वैसे वाह वाह पाक लगे रहे, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। हो सकता है वैसे पिनियों के मालिश, वो जो आपके मोहल्लों में आजकल आता है किया कारी का तेल, मैं सुनता रहता हूँ। आवाम से पूछ लो, आवाम से पूछो कि वो तंग है कि नहीं है। ये अंकल खड़े हैं, इनसे पूछो टैक्स लेबोरेटरी। अंकल जी, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल मैंने महंगा किया, आवाम की भलाई के लिए किया, आप क्या कहना चाहते हैं? सानू नहीं पता ठीक कितना गलत कितना, अहीं ते पमाना ही है ना। मेरी बात सुनो, देखा ये आवाम है, आवाम मेरे साथ है। खान साहब को वोट दिया था, किसको देना वोट अगला? अगला भी तुहानू देंगे। वजीरों का नाम रखा है, वो ही आपके साथ है सिर्फ। अब मेरी बात सुने ना, बताए पेट्रोल महंगा? महंगा तो है, महंगा तो है ना, ये तो है। तो अच्छी बात है ना, वैक्सीनेशन करवाई है? हाँ करवाई है। कहाँ करवाई है? एस्को सेंटर में। और लगवाई किधर है? एस्को सेंटर। और लगवाई किधर है? ये वाम का है, तुम 130 का पेट्रोल दो इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी पेट्रोल डलवा रहे हैं? जी डलवा ले हैं जी। कितने का डलवा लिया है? ये भाईजान 1000 रुपए का डलवाया है, तो थोड़ा आगे जाके खत्म हो जाए। ओह नो, हां बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये खान साहब हैं हमारे, इन्होंने पेट्रोल महंगा किया, आवाम का हाल पूछने पंप पे खुद आ गए हैं, इनसे बात करें। ये कब्र में इंसान को सुकून पहुंचाएंगे। मेरी बात सुने, सुकून सिर्फ कब्रों में है। आपने नवाज शरीफ वाला स्टाइल रखा हुआ है, और पेट्रोल अगर डलवा रहे तो क्या हो गया?
ये अभी आपको पता नहीं, अभी अवाम का आपने फलूस निकाल दिया है, आपने अवाम का वो हाल किया है कि ये अब कब्र के अंदर जाने वाली बात है। देखिए मेरी बात सुने ना, ये इतने बड़े पेट कैसे अंदर जाएंगे, महंगाई होगी तो अंदर जाएंगे ना, अगर अगर तब्दीली नहीं आएगी तो ये तब्दीली कैसे आएगी। ये जो तब्दीली आपने की है ना, इसका अल्लाह ही हाफज है, और इंशाल्लाह ताला ये आप भुगतेंगे आगे जाके भी, ये ऊपर जाके भी आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। बड़े मियां जैसे मियां साहब दे रहे हैं, मियां साहब भाई ने ये ऊपर जाके भी देंगे और कब्र के अंदर भी देंगे। देखिए मेरी बात सुने, अंदर भी देंगे। बात तो सुन ले, लस्सी पी के साफ नहीं की भी आपने, बात ये है कि पेट्रोल बिल तो रहा ना, मिल रहा है लेकिन लेकिन अवाम का खून चूसने के बाद आप दे रहे हैं ना, ये ₹5 ₹1 कुछ पैसे इन्होंने रिकमेंड हुआ है और ₹5 इन्होंने बढ़ा दिए, सही, और ये इनका हाल है, ये बड़े इनके पीछे भरोसा का हाथ है, और जब इनका हाथ उठेगा ना तो ये इंशाल्लाह ताला मुल्क से बाहर ही भागेंगे। आप पेट्रोल की वैक्सीनेशन करवाएं, अभी आगे जाकर आपको टीका लगाता है, करवाएं खान साहब अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, आपकी खाना पूरी हुई है, अब आपको इंशाल्लाह आवाम छतरोल लगाएगी, फिक्र आजे फिर इधर ही लड़ाई हो जाए। खान साहब आप आराम है, लोग आपसे कितनी नफरत करते हैं देख लिया आपने, किस कुछ फैमिली में बैठे हुए हैं आप। मैंने पैरासिटामोल खाई है कि आराम है। बात यह है कि देखे ये नवाज शरीफ के लोग हैं, ये आटे में नमक के बराबर है, वो तो कहेंगे कि मियां साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी 5 साल और हैं। ओह नो, बंदा ऐसे काम ना करे कि ग्लासेस लगा के जाना पड़े, आवाम से नजरें नहीं मिला पा रहे आप। क्यों नहीं मिला पा रहा मैं टी रहा हूँ अंदर से, ये देखे आपको खान साहब उत्ते की देखन दे, मैं उत्ते बैठा हूँ। अब बात यह है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। कहाँ आ गई है, अभी तो कहते थे तब्दीली चाहिए, काफी आ गई है माशाल्लाह। देखे ना महंगाई में, महंगाई कब हुई है, कौन कहता है महंगी चीजें, हर चीज तो सस्ती है, आप कम खा लें। आप ऐसे करें जो गरीब आदमी है ना उनके लिए तो लिख के लगा दें कि पेट्रोल किस्तों पे दस्तयाब है। हाँ ये भी हो सकता है, पेट्रोल किस्तों में है और साल की किस्त में लीटर पेट्रोल हासिल करें। यार तू कल काम तो नहीं आया, मैंने घर से बाइक नहीं निकाली, मैंने किस्त नहीं यार दी थी, वो मेरा पेट्रोल निजामो अस्थि घर बड़े स्टैंड थे, बच्चे चक्का घुमा रहे हैं। ये खान है, ये से पूछो खान साहब, बात सुनो, बात करो। खान साहब ने पेट्रोल महंगा किया, खुश है? मैं पेट्रोल महंगा किया है, ये देखो मेरी बात सुनो, ये लोग नारा लगाते थे कि तब्दीली तब्दीली चाहिए, नया चाहिए, डांस करते थे, तो अब देखो मेरी बात सुनो, तब्दीली आई है, ₹5 सिर्फ पेट्रोल महंगा हुआ, ₹5 ओनली, इनको मसला हो रहा है, क्या कहोगे? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई, देखो ऐसा वैसे खुश हैं आप इनसे? कितने कितने का चल रहा है पेट्रोल आजकल? क्या पीने वाले जिन इतने थले कप, ये देखे ये कौम है जिनको पता ही नहीं है पेट्रोल महंगा भी हो, सारा पता है वो आपके मुंह नहीं लगना जा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, आवाम जानती है, प्यार करती है आवाम मेरे से काफी माशाल्लाह, और लोग हैं उनसे पूछो, वो नवाज शरीफ का सपोर्टर था, तुमने उससे पूछा, वो गज्जू मत्ता के मुंह वाला आ रहा है उससे पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरा छुपा लिया, थ्रेशर लगी है या आंधी चल रही है? आंधी चल रही है, आंधी चल रही है, पूरी नहीं चल रही, आधी चल रही है, मोटरसाइकिल तो खिलार लो, मेनू नाल लेके जाना, आयो नाल आयो नाल आयो। अच्छा पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दिलवाना आओ, किधर किधर डलवाते हैं? कान में। नहीं चेहरा क्यों छुपा रहे हैं, कोई केसेस हैं आपके ऊपर? यस। ओह नो, इंग्लिश वाले केसेस है? यस। नाज़िन हमारे साथ इस पंप के मैनेजर मौजूद हैं जो बड़े खुश हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया। सर आप बड़ी लुटियाँ डाल रहे हैं। सर हमने तो लुटियाँ डालनी है, हमारा बिजनेस अप हो रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, काम नहीं होना चाहिए बस। अच्छा। हाँ जी, बिजनेस ऊपर जा रहा है, बिजनेस ऊपर जा रहा है सर, इन्हें जफी पालो फिर। पीछे देखे बात सुने, ये भी तो इनके भी तो पेट लगे हुए हैं, इन्होंने भी तो कमाना है, इनके भी तो छोटे छोटे अम्मी अबू हैं, वो कहाँ से खाएंगे? के बड़े बड़े अम्मी अबू हैं वो फाके में मर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, लोग कहते हैं हमें फायदा नहीं हो रहा, तो फायदा ऐसे ही तो पहुंचाना है, कुछ लोगों को खुश करना है, कुछ को नाराज करना है। ऊपर पहुंच रहा है, लोग भी ऊपर पहुंच रहे हैं। मैंने बात की थी लोगों से, लोग बड़े मुतमिन थे, वो कहते थे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल जितना मर्जी ऊपर चला जाए, मगर बाद में पता चल गया उनके पास साइकिल थी। देखिए चाइना में आप चले जाएं, लोग साइकिल चलाते हैं, आप बाहर जितने ममालिक इंडोनेशिया चले जाएं, वहां पे लोग साइकिल चलाते हैं। मैं चाहूं अभी चाहूं पेट्रोल ₹50 लीटर कर दूं। अच्छा। अभी खड़े खड़े यहाँ पे इनको बोलूं आपको मैं ऑर्डर दूं, आप ₹50 लीटर देंगे? नहीं। ओह नो, नहीं
हम तो कभी नहीं देने वाले। आपको पीछे से सस्ता मिलेगा, 3500 रुपए मिलेगा, 50 देंगे ना फिर देंगे। नहीं मेरी बात सुने ना, मैं रिलीफ कब देंगे? नहीं तू कह रहे मैं पंप तो लगा यार, मैं तो देखे ना ऑर्डर ही कर सकता हूँ कि यार आप इतने का दे दो पेट्रोल, आप इतने का दे दो कुछ ना, ऐसे ही है। पेट्रोल सस्ता कर देंगे, आपको एक ऑफर देता हूँ, चार हल्के खोल देता हूँ। चार हल्के खोलो, एक हल्का सच्चा बिल्ली का बच्चा। ठीक है पेट्रोल कम कर दो, चार हल्के खोल देते हैं। ठीक है खान साहब, अगर आप पीछे से सस्ता लेंगे तो हम भी रिलीफ दे देंगे आवाम को। और अगर मैंने जो लग रहा है कि वैसे आपने आवाम के पास साइकिल भी नहीं रहने देनी, पाँव से भी मजबूर हो जाएंगे। चल चले पाँव उतार के बेच दें, दूसरे मोबाइल को महंगा बिकता है। अब मेरे पास आपस की बात है, डील कर लेते हैं, इधर कोई पैकेज करा लेते हैं जिसमें पेट्रोल इतने का मिल जाए। कितने का हो जाएगा कम से कम? सर ये तो आपके ऊपर है ना कि आप पीछे से कितने का खरीदेंगे और हमें आगे जो मिलेगा हमने तो फिर उस हिसाब से देना ना, हमने भी कमाई करनी है। भाई पंप पे स्टॉक होता है, पिछला स्टॉक भी तो होता है, और जब महंगा होता है तुम लोग फिर वो कमाते ही हो ना। आपके तो वजीर ने ये भी कहा था जब आप हेलीकॉप्टर पे मूव करते हैं वजीर आजम हाउस से बनी गाला तो 50 रुपए का तेल लगता है। ये तब्दीली है कि मैं लोगों को भी ये मशवरा देता हूँ कि आप जो है ना हेलीकॉप्टरों पे उड़े, ये बाइक के बुके गाड़ी छोड़ दें, नया पाकिस्तान। आप भी ऐसी हरकतें छोड़ दें। मैं अभी जाता हूँ जाके पेट्रोल सस्ता करता हूँ, और आपको जो है ना पेट्रोल अब कितना का 150 का मिलेगा। मैंने मैसेज कर दियो सस्ता करके। वैसे भी हेलीकॉप्टर पे उड़े हैं यहाँ से मियानी साहब तक। हाँ तो कितने हो गए, आहिस्ता आहिस्ता और हो जाएंगे। वो देखे ना यहाँ पे कितने आपको हेलीकॉप्टर नजर आएंगे। ठीक है अभी आ रहे हैं, ग्लासेस लगाए हुए हैं मेरे साथ। आप मेरे साथ नहर पे चले, मैं आपको जहाज क्यों जाऊँ, मैं ऐसा हूँ नहर पे जाऊँ, मैं दिखाता हूँ जहाज वहाँ पे कैसे है बैठे हुए हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो नौजवान हमारे ये पेट्रोल डलवा के महंगाई हो के इस वजह से ऐसे हुए हैं। टाइम लगता है काके, टाइम लगता है मरने में। मेरी बात सुनो, आपस की भाई मिसाल है, जब तुम पैदा हुए थे इतने ही पैदा हुए थे? ओह नो, इतने थे ना, काका था और बड़ा काका होने में टाइम लगा। ठीक है फिर रिपोर्टर बना, इसी तरह मुलक भी मेरे हाथ में पेट्रोल पी के बैठा हुआ है, तो मेरे हाथ में काका इतना सा आया, मुलक इतना सा आया, मैं उसको इतना बड़ा करूंगा। टाइम लगता है, मुझे टाइम दे दे इंशाल्लाह ताला मोल का आप देखेंगे। 350 साल दे दिए, स्कूल सिर्फ कब्रों में ही है। जिंदगी भर का टाइम दे, लाइफ टाइम मुझे दे दे इंशाल्लाह ताला। कुछ आप मुझे माफी दे दें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बड़े संज समर के कहां जा रहे हैं, तुहानू पता नहीं पेट्रोल वध गया, तुसी फेर कपड़े नवे पा ले। की करी कपड़े ते पाणे ते किसे ने अंदर ढीडी पाया ते नहीं वेखना, कपड़े ते पाए वेखने ने ना, ते हुण गरीब आदमी करे। पेट्रोल तुसी इन्ना महंगा करा दित्ता, खाना खराब होवे हुकूमतां दा पता नहीं की करदियां। फिर क्या करेंगे, करना की है, हुण जाके मोटरसाइकिल जां ते साड़ देंगे ते जां कार खड़ी कर देंगे। काका भाई ऐसे ना बड़ा मुश्किल हो गया है, असी दरमियाना तबका असी कितों रोटी खाइए कि असी पेट्रोल पूरा करिए। मेहरबानी फरमा के साड़ी वजीर आजम नूं कहो कि जे असी तैनूं वोट पा दिता भुल के तो साढ़े हाथ फरमा, असी तैनूं वोट पाया तू सानूं तेल पाउण दे, तू सानूं तेल भी नहीं पाउण दे रहा, उहदे कोई भी नहीं छड्डे सानूं उहने। खाना खराब होवे ना हुकूमतां दा, डब्बी लिया गया ना, डब्बी लिया गया, इन्ना क लै जा करो ते अखां च ड्रॉप पाया करो। अगला वक्त यही आ रहा है जिहड़े अगले महीने असीं इंज ही करना है, हर 15 दिन बाद पेट्रोल पे वधांदा है, वधांदा 5 रुपये वे तो घटांदा 98 ते खाना तरीका भी है, सरिंज च भर के ना इत्थे ला के ते आप दौड़ना शुरू कर दो। इंजना करी के पिछला ठंडा ही ला ली असीं अपने, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया हर बचा दे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।